एक तरफ एनएमसी बिल का विरोध और दूसरी तरफ एनएमसी बिल के लिए सरकार की भागदौड़। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी बिल, सरकार इस बिल के जरिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह नई बॉडी नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी बनाना चाहती है। आइए बताते हैं इस बिल से क्या बदलाव होगा। दरअसल सरकार को पिछले कई सालों से लगातार एमसीआई के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। नेशनल मेडिकल कमीशन देश में मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करेगा और इसमें सुधार लाएगा। एनएमसी डॉक्टरों के काम करने के तरीके पर भी नजर रखेगा। बिल में अल्टरनेटिव मेडिसिन यानी होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के लिए एक ब्रिज कोर्स का प्रपोजल भी रखा गया है। वहीं प्रैक्टिस के बाद आयुष डॉक्टर्स मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। लेकिन बिल का विरोध क्यों हो रहा है ये भी जानना जरूरी है। दरअसल इंडियन मेडिकल काउंसिल को नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2017 के प्रावधानों से एतराज है। नए बिल के मुताबिक अब तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 15% सीटों का फीस मैनेजमेंट तय करती थी। अब नए बिल के मुताबिक मैनेजमेंट को 60% सीटों का फीस तय करने का अधिकार होगा। इसमें पहले 130 सदस्य होते थे और हर राज्य का 3 प्रतिनिधि होता था। वहीं अब ये 25 सदस्यों का आयोग होगा जिसमें 16 लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे। अभी तक एमसीआई का एक चुना हुआ अध्यक्ष हुआ करता था जो खुद डॉक्टर होता था, लेकिन अब इस कमीशन का अध्यक्ष कौन होगा ये सरकार ही तय करेगी। वहीं सरकार का दावा है कि इस आयोग के बनने से पूरे देश के मेडिकल सिस्टम में सुधार आएगा। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।